मैं धरती, वायु, अग्नि, जल और आकाश को साक्षी मानकर आपको ये वचन देता हूँ कि आज के बाद भास्कर विजयनगर में दिखाई भी नहीं देगा। ठीक है, पुत्र ने हमारी धोती निकाली, अब पिता हमें धोती पहनाएगा। जी क्षमा कर दो बापू, मैं दादा का अपमान नहीं करना चाहता था, किंतु मैंने जो कुछ भी किया वो तूने जो किया वो सही नहीं किया। भास्कर, तुझे पता है आज तक अनगिनत बार गुरुवर ने मुझे तेरे बारे में उलाहनाएं दी हैं, किंतु मैंने तुझसे कभी कुछ नहीं कहा, किंतु आज जो तूने किया वो अक्षम्य है। अरे तू जाता ही क्यों है उनकी आवाज पर बार बार? ऐसा क्या है वहां जो तुझे अपनी ओर खींचता है? बता मुझे क्या है ऐसा वहां, बोल। आम्रपाली, उसी से भेंट करने जाता है ना वहां, क्योंकि तू उससे प्रेम करता है। बोल। हाँ हाँ बाबू, किंतु मेरे मन में आम्रपाली के लिए कोई भी कलुषित भाव नहीं है बाबू। अपितु मैं तो उससे विवाह का आकांक्षी हूँ। विवाह का आकांक्षी है? विवाह का आकांक्षी है? भास्कर, कोई भी पिता अपनी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में क्यों देगा? किंतु बापू मैं। हाँ भास्कर, तू मुझे बता, विवाह के पश्चात आम्रपाली क्या कहेगी कि मेरा पति क्या है, किस योग्य है, क्या किया है उसने आज तक? बता मुझे क्या किया है तूने आज तक, बोल। तूने भी क्या किया? अम्मा, आज नहीं अम्मा, किंतु बापू मैंने तो सदैव परिवार और राज्य के प्रति अपने सभी उत्तरदायित्वों का अच्छी तरह से पालन किया है ना। मैं मानता हूँ भास्कर, तूने विजयनगर के प्रति अपने सभी कर्तव्यों का उचित ढंग से पालन किया है,
राज्य के प्रति निष्ठावान बनकर मेरी अनुपस्थिति में मेरा रूप धरकर तूने वो सब कुछ किया जो कदाचित मैं होता तो करता, किंतु तुझमें अब भी परिपक्वता की कमी है पुत्र। तुझे अपनी उंगली पकड़कर मैंने चलना सिखाया है इसी आंगन में, कोई तुझ पर उंगली उठाए ये मुझे असहनीय है भास्कर। जिस छाती पर तू अपना सर रखकर चैन से सोता था ना, मैं उसी छाती को चौड़ा करके कहना चाहता हूँ कि ये मेरा पुत्र है जो गुणी है, बुद्धिशाली है, संस्कारी है, जिसमें समझ है, गुण है, बुद्धि है, पराक्रम है, गंभीरता है, किंतु नहीं है भास्कर। तो मैं चाहता हूं कि तू चालुक्य ऋषि के गुरुकुल जा, वहां वेद वाणिज्य और शास्त्रों की अग्रिम शिक्षा ले, पूर्णतया परिपक्व बन और फिर यहां लौट कर आ। नहीं 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 नहीं, मैं अपने पुत्र को कहीं नहीं जाने दूंगी। खबरदार, जो मेरे पोते को मुझसे दूर किया तो अच्छा नहीं होगा। इस तथाचार के कारण सदैव मेरा पोता मुझसे दूर हुआ है, किंतु अब नहीं। इसका बाल्यकाल तो नहीं देख सकी, तब सोचा कि कोई बात नहीं, युवा होकर मेरे पास ही आएगा ना, तब इस पर अपनी पूर्ण ममता लुटाऊंगी, किंतु आप पुनः इससे हमसे दूर कर रहे हैं। बापू, तुम जो कहोगे, जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, मैं बिल्कुल वैसा करूंगा, किंतु मुझे स्वयं से, दादी से, शारदा अम्मा से दूर मत करो। पिछली बार गुरुकुल गया था तो याद है ना क्या हुआ था, मैं पुनः तुम सबको खोना नहीं चाहता, कितना तरस गया था मैं तुम्हें देखने के लिए, मैं पुनः तुम्हें खो बैठा तो मैं जीवित नहीं रहूंगा बापू, मैं जीवित नहीं रहूंगा। ऐसा नहीं होगा, मेरी भी ऐसी कोई सुबह नहीं होती जब मैं तेरा मुख देखकर ना उठू, ऐसी कोई रात्रि नहीं होती जब मैं तेरा मुख देखकर ना सो। मेरा जीवन, मेरे जीवन का आधार तो तू ही है ना, तो क्यों क्यों मुझे स्वयं से दूर कर रहे हो? स्वयं से दूर कर रहा हूं ताकि तू स्वयं को प्राप्त कर सके भास्कर, स्वयं को पहचान सके, स्वयं को बदल सके। एक बात बता, मुझे अपने पिता पर गर्व है कि नहीं? है बापू, बहुत गर्व है। मैं भी तो यही चाहता हूँ भास्कर कि कल को तू जब यही प्रश्न अपनी संतान से करे तो वो भी गर्व से कहे कि हाँ, मुझे भी अपने पिता पर गर्व है। बोल ना भास्कर, बनेगा ना हमारा गर्व, अपनी दादी अम्मा का गर्व, अपनी शारदा अम्मा का गर्व, अपने बापू का गर्व, खुद को बदल कर आम्रपाली के योग्य बनेगा। बोल, गुरुकुल जाएगा या नहीं? बोल भास्कर, तू गुरुकुल जाएगा? जाऊंगा। भास्कर आम्रपाली से सच में विवाह करना चाहता है? हाँ दादी, किंतु बापू को दिए गए वचन को पूर्ण करने के पश्चात। नहीं, मैं नहीं मानती कि मेरे पुत्र में कोई भी ऐसी कमी है जिसके लिए उसे वापस गुरुकुल भेजा जाए। शारदा, इसे सक्षम बनना है, मेरे पश्चात यही तो है जो विजयनगर की रक्षा करेगा। मेरा पुत्र पूरी तरह सक्षम है। उचित है, ये
जितना ही सक्षम है, गुणी है, ज्ञानी है, चतुर है, तो इस रेखा को मिटाए बिना इसे छोटी करके दिखाए। आओ भास्कर। चाकर। क्या हुआ, कर छोटी? ये करना जा। इस रेखा को छुए बिना ये रेखा छोटी हो गई ना। ऐसी ही बुद्धि, ज्ञान और चातुर्य की त्रिवेणी का संगम मैं तेरे भीतर भी देखना चाहता हूं भास्कर। विजयनगर पर संकटों के बादल छाए हुए हैं, चारों ओर से षड्यंत्रों के जाल बुने जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि तू चालुक्य ऋषि के यहां जाकर बल और बुद्धि दोनों में पारंगत होकर वापस आ। मैं जाऊंगा बापू, और तब तक लौट कर नहीं आऊंगा जब तक तुम्हारी आकांक्षाओं और अभिलाषाओं पर खरा न उतरूं। तुम्हारे लिए जाऊंगा, विजयनगर के लिए जाऊंगा, और अपनी आम्रपाली के लिए जाऊंगा। जीता रहे पुत्र, जीता रहे, किंतु तुझे अभी इसी समय चालुक्य ऋषि के आश्रम के लिए प्रस्थान करना होगा। मत कहना भास्कर, क्योंकि यदि तुमने कुछ कहा तो हम अपने अश्रु रोक नहीं पाएंगे। भास्कर, जिस उत्तरदायित्व का निर्वहन तुम करने जा रहे हो उसे पूरा करना, चाहे साल बीत जाए या फिर युग, हम तुम्हारी प्रतीक्षा करेंगे भास्कर। क्योंकि ये अम्रपाली तो कब की तुम्हारी हो चुकी है। यदि हमारा विवाह होगा
तो वो सिर्फ तुमसे होगा या फिर कभी नहीं होगा। हम किसी से विवाह नहीं करेंगे, हम सिर्फ तुम्हारे। शिव 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 शिव। हे कितनी निर्लज्ज हो तुम, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है ये। उन्हें चले आए हमारी पुत्री से भेंट करने के लिए। तुम्हारे पिता पंडित रामाकृष्णा ने बड़े भावुक होकर अपने नेत्रों में मोटे मोटे अश्रु भरकर वचन दिया था कि अभी तुम कभी हमारी पुत्री के आसपास नहीं दिखोगे। क्या हुआ उस वचन का? बस ताता, मुझसे जो भी कहना है कह लो, किंतु यदि मेरे बापू के सम्मान के विरुद्ध कुछ भी कहना तो कदाचित मैं मर्यादा लांग बैठूंगा। अरे यदि इतनी ही चिंता है तुम्हें अपने पिता के सम्मान की तो क्यों आए यहाँ? विदा लेने आया हूँ, जा रहा हूँ विजयनगर से, और अब तभी लौटूंगा जब इस योग्य बन जाऊं कि तुम स्वयं आम्रपाली का हाथ मेरे हाथ में दो। और ऐसा होगा, ये वचन है मेरा तुमसे। क्योंकि जिस भांति हृदय और धड़कन कभी अलग नहीं हो सकते, जिस भांति पुष्प और सुगंध कभी अलग नहीं हो सकते, उसी भांति भास्कर और आम्रपाली भी कभी अलग नहीं होंगे। चलता हूं आम्रपाली। भली भांति ज्ञात है प्रलयंकर कि इस समय तुम्हारी स्थिति क्या होगी। मुझे ये भी भली भांति ज्ञात है कि तुम वो विषधर हो जो अवसर पाते ही पलटकर मुझे डसने का प्रयत्न अवश्य करोगे, किंतु मैं भी नीलकंठ बनकर विषपान करने को तैयार हूँ। तुम्हारे हर वार के लिए मैं तैयार हूँ। अब की बार ऐसा वार करूंगा पंडित रामाकृष्ण कि तुम्हारा जीवित रहना असंभव हो जाएगा। बहुत जल्द तुम मृत्यु के पाश में जकड़े जाओगे और तुम्हारा नाम होगा स्वर्गीय पंडित रामाकृष्णा। अंततः अपने हृदय पे पत्थर रखकर अपने हृदय के टुकड़े को हमारे परम मित्र ने स्वयं से और विजयनगर से दूर कर ही दिया। आशा है और हमें महाराज कृष्णदेव राय को पूर्ण विश्वास भी कि भास्कर अब पुनः विजयनगर का उज्जवल भविष्य बनकर ही लौटेगा। अब पंडित रामकृष्ण को सारी चुनौतियों का अकेले सामना करना है। अब देखते हैं कौन सी नई चुनौती पंडित रामकृष्ण के मार्ग पर है।